HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम इतनी मजबूत थी कि हर कोई यही आस लगाए हुए था कि इस बार भी ट्रॉफी इंडिया ही ले जाएगा। लेकिन कोहली और कुंबले के बीच विवाद जो काफी समय से चल रहा था, उसका ही नतीजा था कि पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच में भारतीय टीम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं दिखा पाई। इसके बाद कुंबले के कोच पद से इस्तीफा देने के बाद हालात और खराब हो चुके हैं, इसलिए सभी लोग विराट कोहली के खिलाफ खड़े हैं और उनसे कप्तानी छोड़ने की मांग कर रहे हैं। सभी का मानना है कि धोनी को फिर एक बार कप्तानी करनी चाहिए, क्योंकि टीम इंडिया के भविष्य के लिए यही अच्छा होगा। ऐसे में सौरव गांगुली ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि धोनी को एक बार फिर से कप्तानी सौंपनी चाहिए। गांगुली का कहना है कि टीम इंडिया को कुंबले से अच्छा कोच नहीं मिल सकता, इसलिए कुंबले ही कोच पद के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। लोगों का कहना है कि कोहली की कप्तानी में टीम बिखरी हुई नजर आ रही है, जिसमें कोहली खुद की मनमानी करते दिखाई देते हैं। कोहली का रवैया बेहद ही खराब है, जिसके कारण भारतीय टीम ये सब परेशानियां उठा रही है। कोच कुंबले के बयान से भी यह बात साबित होती है कि भारतीय टीम धोनी की कप्तानी में ही संतुलित थी। भारतीय टीम के लिए कुंबले ने धोनी को बेहतर कप्तान बताते हुए एक बार फिर उन्हें भी कमान सौंपने का आग्रह किया। सभी मानते हैं कि धोनी ही कप्तान के रूप में दिखाई देने चाहिए। इन सब विवादों के बाद यह अहम होगा कि BCCI इस पर क्या कार्रवाई करता है।